विजय ने राजनीति में कदम रख दिया है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में विजय ने रविवार को पहली राजनीतिक रैली की और इस रैली में विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेटेट्री कक्षपम यानी कि टीवे की विचारधारा और लक्ष्यों को साझा किया और लाखों समर्थकों के बीच अपने संकल्प के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना साधा। विजय ने कहा कि राजनीति कोई सिनेमा का क्षेत्र नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र है। अगर हम गंभीरता और थोड़ी हंसी के साथ इसे हाथ में लेने का फैसला करते हैं तो ही हम इस क्षेत्र में टिके रह सकते हैं और विरोधियों से निपट सकते हैं। हमें मैदान पर सावधान रहना होगा। विजय की इस रैली में लाखों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे, जिसका तस्वीरों में नजर आ रहा है। तमिलनाडु में बताते चले, 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके किस्मत आजमाने को तैयार है। एक्टर विजय ने इस साल फरवरी में अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कक्षगम के इस नाम की घोषणा की थी और हाल ही में उन्होंने इसका झंडा और चुनाव चिन्ह भी जारी किया था। और चलिए खबर मुंबई से है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। दिवाली और छठ पूजा को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और यहां भीड़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस बार उत्तर रेलवे की ओर से 3000 के ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। वहीं और डिमांड होने पर ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कल जिस तरह वाक्य आया था आपको भी वो मंजर न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाया था, तस्वीरें दिखाई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां तक दिखाई थी, जब बांद्रा टर्मिनस एक पर किस तरह सैकड़ों की तादाद में वहां पर भीड़ लगी थी। गोरखपुर और यूपी जाने के लिए तमाम लोग, क्योंकि छठ और दीपावली का पर्व है और अपने ट्रेन छूट ना पाए, उस वजह से वहां पर भगदड़ मची और उसमें कई जने घायल हुए थे, एक की मौत भी हो गई थी उसमें। मुंबई में भगदड़ की खबरों के बीच मैं आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है वो आपको दिखाता हूं कि एक व्यवस्थित रूप से कैसे यात्रियों को रेलवे के अंदर जो ट्रेन है उनके अंदर उनको भेजा जा रहा है, किस तरीके से आरपीएफ के जवान जो हैं वो एक एक करके यात्रियों को अंदर भेज रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग जो है यहाँ पे कॉलम बनाया गया था, अलग अलग जो यहाँ पे लोहे के स्टील द्वारा जो है वो बैरिकेड कर दी गई थी। बैरिकेडिंग के बाद जो है एक एक जो यात्री हैं वो आ रहे हैं, उन्हें आरपीएफ के जवान और जो रेलवे कर्मचारी हैं वो अनाउंसमेंट करके उन्हें व्यवस्थित रूप से प्लेटफॉर्म के अंदर भेज रहे हैं। यात्री अंदर बैठे हुए हैं, सबके लिए सीट की व्यवस्था की गई है। देखिए, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कहीं कोई जो है भगदड़ नहीं है, आराम से यात्री अंदर जा रहे हैं। आरपीएफ के जवान उन्हें सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कैसे अंदर जाना है, आराम से जाना है और आराम से उन्हें ट्रेन में बैठना है। देखिए, यहाँ भी आराम से, यहाँ भी कोई भगदड़ नहीं है, यहाँ भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, यात्रियों के भागने की जरूरत नहीं है। आराम से रेलवे के कर्मचारी और आरपीएफ के जवान जो हैं वो उन्हें दिखा रहे हैं। तो ये मैंने आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 का हाल दिखाया। ये ट्रेन जो है ये बरौनी, बेगूसराय में जो बरौनी है वहाँ पे जाएगी, क्योंकि छठ का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, तो इस वजह से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं। और यहाँ पे हालांकि इस पर खास व्यवस्था रेलवे की ओर से की गई है, कोई भगदड़ नहीं, कोई हलचल नहीं, आराम से यात्री आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन में बैठ रहे हैं। और चलिए इस बीच